जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल बुक्कल ब्लॉग्स। तो क्या हाल है आप सभी के? आज लेके आए हम एक बहुत ही टेस्टी डिश और बहुत ही हेल्दी। आप ना इसको अपने नाश्ते में बनाएं, अपने ब्रंच में बनाएं, इवन लंच में बनाएं, कभी बनाएं। बहुत ही हेल्दी और लाइट रहने वाला है क्योंकि ये बनने वाला है ओट्स से। टाइटल आपने पढ़ ही लिया है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हम लेंगे एक कप ओट्स, इसे हम करेंगे रोस्ट। तो गैस को हमने कर लिया है ऑन, फ्लेम पहले हाई रखेंगे ताकि हमारा जो पैन है ये अच्छे से प्रॉपरली गर्म हो जाए। और फिर इसमें डालेंगे हम अपना एक कटोरी ओट्स और इसे हम रोस्ट होने देंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है, एकदम जलाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन करना है। और इसकी हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी, तो आप इस पर कंटिन्यूसली चलाते रहना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये रोस्ट हो चुका है अच्छे से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है, एक क्रंची सी आवाज़ आ रही है, देखना खनक हो रही है, एक बज रही है। तो इसका मतलब कि पूरा अच्छे से रोस्ट हो चुका है अपना ओट्स। अब इसे हम निकालेंगे बड़े बाउल में। आप सुन सकते हैं एक खनक सी है इसके अंदर, इसका मतलब प्रॉपरली रोस्ट हो चुका है। अब इसे हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए साइड में। इसे अब अपने हाथों से हम मैश करेंगे थोड़ा थोड़ा, जिसके कारण इसका हल्का हल्का सा ये फूट जाएगा, मतलब पूरा बड़ा बड़ा नहीं रहेगा, नहीं तो चिल्ला बनाने में डिफ़िकल्टी होगी। तो इसे हम हाथों से हल्का हल्का मैश करेंगे ताकि इसका पाउडर टाइप बन जाए, हल्का 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 दरदरा रहे, ताकि हमारा चिल्ला प्रॉपरली ना एकदम पाउडर भी नहीं बनाना है हमें, लेकिन रहना चाहिए ओट्स। ये देख सकते पाउडर टाइप इसका ही हो चुका है, मतलब अब इसमें हम डालेंगे एक कप बेसन। आप इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बेसन का क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखेंगे हम इसके कंपेरिजन में, क्योंकि हमें ओट्स का हेल्दी चिल्ला बनाना है। और डालेंगे सूजी आधा कप। और ये हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ करने वाले हैं, अनियन चॉप, कैप्सिकम, ग्रीन चिलीज, जिंजर एंड गार्लिक। ये चॉप्ड रखने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक काटने हैं। और बीन्स, जी हाँ, आप अपने आप से कोई भी वेजीज इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चॉप्ड अनियंस, कटे हुए प्याज, और साथ में इसमें डालेंगे कैप्सिकम कटी हुई। बारीक काटना है, बारीक रखना है जो भी चीज़ काटो। अब डालेंगे हम इसमें बीन्स बारीक कटी हुई, और अपने लहसुन की कलियाँ, ये भी बारीक बारीक कटे हुए हैं, और ग्रीन चिलीज, हरी मिर्ची भी डाली है, वो भी बारीक काटी है। बड़े रखोगे तो वो मुंह में आएंगे और चिल्ला भी अच्छे से परफेक्टली बनेगा नहीं। और अब इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला। अब इसमें हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है इस बैटर को, थोड़ा थोड़ा थिक रहने देंगे। ये आप देख सकते हैं मिक्स होने के बाद कुछ ऐसा हो गया, लेकिन इसमें अभी ओट्स थोड़े खड़े खड़े हैं और सब्जियां थोड़ी सी बड़ी बड़ी हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्लेंडर की मदद से इसको हल्का हल्का पीसेंगे। तो इससे होगा क्या, जो ये थोड़ी सब्जियां बड़ी थी वो थोड़ी छोटी हो जाएंगी, और जो ओट्स बड़े बड़े थे हल्का हल्का उनका पेस्ट सा बन जाएगा, तो ये अच्छे से तवे पे फैल जाएगा। हमने बिल्कुल इसको पेस्ट नहीं बना दिया, आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का दरदरापन है। तुमने ज़्यादा ब्लेंडर नहीं यूज़ किया, बस तीन चार बार इसको हल्का हल्का वो किया है, जिससे सॉफ्ट हो गया है इसका बैटर, थोड़ा सा लिक्विड हो गया है, पहले ज़्यादा सॉलिड हो रहा था ये बस। और अब इसमें एंड में हम मिक्स करेंगे एक चम्मच नमक, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे धनिया जीरा पाउडर, जो अच्छे से मिला देंगे। तुम्हारा चिल्ले का बैटर हो चुका है एकदम तैयार ऑलमोस्ट। गैस पे हम अपना रखेंगे तवा, तवा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, तो इसको हम करेंगे ऑयल से ग्रीस। तो ये रहा अपना बैटर, और ये तवा अपना गर्म हो चुका है, इस पर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और गैस को सिम ही रखेंगे स्टार्टिंग में, जब तक इसको फैलाना लेते हैं। फिर चम्मच की मदद से धीरे धीरे इसको फैलाएंगे, ज़्यादा पतला ना करें नहीं तो बिल्कुल इस पर चिपक जाएगा, और बिल्कुल मोटा भी ना रहने दें नहीं तो कच्चा रह जाएगा। मीडियम से थिकनेस रखनी है हमें इसकी, और अब इसे हम ढक देंगे। तो
प्लेट के मदद से हमने इसे ढक दिया है। और अब गैस हमने सिम कर रखी थी, लो फ्लेम पे रखी हुई थी, और इसे हम छोड़ेंगे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम हटाएंगे अपना ढक्कन। अब देख सकते हैं किनारों से कुक होना शुरू हो चुका है, तो एक पलटे की मदद से इसके ऊपर हल्का हल्का तेल लगा देंगे। That's it. अब एक पलटे की मदद से धीरे धीरे से किनारों उठा के देखेंगे। हाँ, ये उठ रहे हैं, देख सकते हैं, परफेक्ट परफेक्टली कुक हो चुके हैं। अब इसे हम हल्के हाथों से दबा के वापस से रख देंगे इस पे ढक्कन, और हमारी फ्लेम अभी भी लो पे है, तो उस ढक्कन के कारण क्या होगा, ये ओवर प्रॉपरली कुक हो जाएगा। 3 मिनट इसको भी हो चुके हैं, और अब हम हटाएंगे ढक्कन और इसको हम पलटेंगे। देख सकते हैं इवनली कुक हो चुका है चारों तरफ से। अब इसे हम सर्व करेंगे और खाएंगे और इसका आनंद उठाएंगे। हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं ओट्स चिल्ला हमारा हो चुका है तैयार। तो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा बना है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी, जब बैटर बना रहे थे जब ही से आ रही है। आप देख सकते हैं प्रॉपरली कुक हो चुका है चारों तरफ से। तो मैंने एक बाइट लेके बताता हूँ मैं इसको, हल्का सा गर्म है अभी। आप केचप के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं, वैसे कई लोग मैं देखा अचार से भी खाते हैं। परफेक्टली कुक है, बहुत टेस्टी बना है। अदरक का हल्का सा तीखापन, मिर्ची का हल्का सा तीखापन, इवन इसमें बीन्स भी हैं, बेसन है, बेसन का भी आ रहा है हल्का सा टेस्ट। तो बहुत हेल्दी रहने वाला है, बच्चे बूढ़े अपने बुजुर्ग वगैरह अपने पेरेंट्स सब कोई ट्राई करें इसको। बहुत टेस्टी है, हेल्दी है, हेल्दी नाश्ता है, एक बेटर ऑप्शन है। अपने नाश्ते में थोड़ा चेंज लाएं, ओट्स चिल्ला बनाएं। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, साइन ऑफ, जय हिंद।